हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता, एरियर भुगतान पर अलग से जारी होंगे आदेश। जी हाँ, बिजली बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की किस्त जारी कर दी है। वहीं बोर्ड कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता मिलेगा। वहीं आदर्श आचार संहिता के बाद अप्रैल और मई के भत्ते को लेकर बोर्ड ने अधिसूचना जारी की है, वह जिसमें महंगाई भत्ते को 34% बढ़ाकर 38% किया गया है। वहीं अप्रैल और मई माह के महंगाई भत्ते की किस्त कर्मचारियों को जुलाई माह के वेतन के साथ मिलेगी। वहीं जबकि 1 जुलाई 2022 से बने एरियर का भुगतान को लेकर अलग से आदेश जारी होंगे। वहीं बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि ये सभी आदेश बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते को लेकर सभी नियम और शर्तें जनवरी 2022 के आधार पर ही तय रहेंगी। वहीं उधर बिजली बोर्ड के प्रबंधन के इस फैसले के बाद कर्मचारियों ने खुशी व्यक्त की है। पोस्ट कोड 903 व 939 का परीक्षा परिणाम घोषित, 377 JOA पद पर होगी भर्ती। जिला सरकार की तरफ से भंग किए गए हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हमीरपुर के तहत ली गई पोस्ट कोड 903 JOA व 939 JOA का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसके तहत पोस्ट कोड 903 में 82 व पोस्ट कोड 939 में 295 पदों पर भर्ती होगी, यानी कुल मिलाकर 377 JOA पदों पर भर्ती होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी बैठक में यह निर्णय लिया गया। वह कैबिनेट में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह एवं आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने भाग लिया। JBT और TGT की नियुक्तियों को लेकर ली जाएगी कानूनी राय। जब प्रदेश के 3 जिलों में लगी आचार संहिता के कारण राज्य में JBT और TGT की नियुक्तियां लटक सकती है, ऐसे में शिक्षा विभाग मामले पर कानूनी राय लेना चाह रहा है। वह शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का कहना है कि मामले पर विधि विभाग से राय ली जाएगी, इसके बाद इसमें आगे की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग ने शिक्षकों की नियुक्ति देने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उपचुनाव के चलते लगी आचार संहिता के कारण अभी इसे रोक दिया गया है। मैं गौर हो कि निदेशालय स्तर पर उक्त दोनों वर्गों के शिक्षकों को नियुक्ति जानी है, ऐसे में शिक्षकों की यह सूची राज्य स्तर पर बनाई गई है। मैं जिसमें सोलन, कांगड़ा व हमीरपुर जिला जहां आचार संहिता लगी है वो भी शामिल है, ऐसे में विभाग इस मामले में पहले विधि विभाग से राय लेगी। 1.5 साल में बनेगा CM आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर, 20 जुलाई से पहले काम शुरू करने के निर्देश। जे CM सुखविंदर सुक्कू ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसरों को निश्चित समयावधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 132 करोड़ रुपये से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई 2024 से पूर्व आरम्भ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परिसर को 1.5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। BJP विधायक दल की बैठक में आगामी चुनावों पर बनी रणनीति, 2 प्रस्ताव भी पारित। जे BJP विधायक दल की बैठक के विली पार्क शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वह बैठक में BJP प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। वह बैठक की जानकारी देते हुए विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि विधायक दल में 2 प्रस्ताव पारित हुए हैं। वहीं प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनावों के लिए भी बैठक में रणनीति बनाई गई। वह विधायक दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को 3री बार PM एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को 2री बार केंद्रीय मंत्री बनने पर बधाई दी। वहीं लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 61 विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की, उसके लिए भाजपा के देवतुली कार्यकर्ता का आभार भी प्रकट किया गया। किसान की बेटी का कमाल, 30+ एज ग्रुप में एवरेस्ट फतह करने वाली पहली हिमाचली बनी। जे 3री बेटी हुई है यह जानकर जो लोग 30 साल पहले बातें करते थे, आज वही घर पर बधाई देने आ रहे हैं। जी हाँ, 30 साल से ज़्यादा के एज ग्रुप में सोलन की रामा माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी है। मैं एवरेस्ट रामा ठाकुर अपनी जन्मभूमि ग्राम ठेठो जिला सोलन आई है, तो घर वालों, परिजनों और ठेठो महिला मंडल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। नौकरी चाहिए तो 15 को आए कुल्लू, शिमला में भी 18 को कैंपस इंटरव्यू। जी अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि कुल्लू और शिमला 2 जगहों पर रोजगार के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। वे मैसर्च SIS सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड RTA बिलासपुर द्वारा पुरुष उम्मीदवारों के लिए सुरक्षा गार्ड के कुल 120 रिक्त पदों की भर्ती की मांग इस कार्यालय को अधिसूचित की गई है। वहीं शिमला में भी SBI लाइफ इंश्योरेंस ब्रांच ऑफिस छोटा शिमला में डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट मैनेजर के 6 पद निकाले गए हैं। जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा देवी का कहना है कि सुरक्षा गार्ड के कुल 120 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू जिला रोजगार कार्यालय कुल्लू और उप रोजगार कार्यालय बंजार में आयोजित करवाए जाएंगे। रिक्तियों के लिए आवश्यक योग्यता 10वीं पास, कद ऊंचाई 168 सेंटीमीटर उसमें अधिक तथा आयु 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह वर्तमान रुपये 17,500 से 19,500 मासिक होगा तथा नौकरी का कार्यस्थल हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनेंगे 147 नए घर, 13 मकानों का काम हुआ पूरा। जी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मंजूर हुए 147 आवासों में से अब तक 13 का मकान पूरा हो गया है। वहीं विकास खंड घुमारवी के तहत कुल 52 आवास स्वीकृत थे, वह इनमें से 6 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अन्य का कार्य प्रगति पर है। HPU ने घोषित किए इन परीक्षाओं के परिणाम। UG 2013-15 बैच की संभावित डेटशीट जारी। जय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज के नए शैक्षणिक सत्र के लिए आयोजित मास्टर इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वह विभाग ने BHM की प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर PhD में प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 और 21 जून को होगी। विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर SS नाहटा ने बताया कि 20 जून को प्रवेश परीक्षा में 45 या इससे अधिक प्राप्तांक वाले विद्यार्थी बुलाए गए हैं, जबकि 21 जून को 45 प्राप्तांक वालों के लिए काउंसलिंग होगी। वह काउंसलिंग के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और श्रेणी से संबंधित दस्तावेज साथ लाने होंगे। वह काउंसलिंग सुबह 10 बजे से शुरू होगी। रैगिंग के आरोप में टंडा मेडिकल कॉलेज के 4 वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सक निष्कासित। हिमाचल प्रदेश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज टंडा में फिर से रैगिंग का मामला सामने आया है। वह मामला 5 जून का है। आरोप है कि शाम को MBBS के 4 वरिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों ने 9 कनिष्ठ प्रशिक्षु चिकित्सकों को हॉस्टल के कमरा नंबर 108 में बुलाया और उनकी पिटाई की। वह जूनियर प्रशिक्षु चिकित्सकों ने इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से की। वह जाँच में आरोप सही पाए गए। अब कॉलेज प्रशासन ने जाँच और एंटी रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर 4 प्रशिक्षुओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे MBBS बैच 2019 से अरुण सूद, MBBS बैच 2019 सिद्धांत यादव को 1,00,000 रुपए का जुर्माना और इंटर्नशिप पर बैन के अलावा हॉस्टल से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। जबकि MBBS बैच 2022 राघवेंद्र भारद्वाज और MBBS बैच 2022 भवानी शंकर को 50,000 रुपए का जुर्माना और 6 माह के लिए कॉलेज कक्षा और हॉस्टल से निष्कासित कर दिया गया है। वे प्रशासन अभी तक इस मामले की शिकायत पुलिस में नहीं दी है। उधर टंडा मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मिलाप शर्मा ने कहा कि रैगिंग के मामले में 4 सीनियर प्रशिक्षु चिकित्सकों को जुर्माना और कॉलेज और हॉस्टल से निष्कासित किया गया है। मैं पुलिस अधीक्षक कंगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि टंडा मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर 2 दुकानदारों को लगा 1,000 रुपये का जुर्माना। जी, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की नगर पंचायत नादौन के अधिकारियों की टीम ने मंगलवार को बाजार का औचक निरीक्षण किया। वे बाजार में कर्मचारियों को निरीक्षण करते हुए देख दुकानदारों में हड़कंप मच गया। वह टीम ने 1 घंटे तक बाजार के प्रत्येक चौक में जाकर दुकानों की जाँच की। वह निरीक्षण टीम में सचिव रमन कुमार व स्वच्छता प्रभारी अक्षित सोनी, कनिष्ठ अभियंता अंशुल सहोत्रा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। निरीक्षण टीम ने बाजार में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बेचने पर 2 दुकानदारों को 500-500 रुपए का चालान काटे। उन्होंने दुकानदारों को एकल उपयोग प्लास्टिक भंडार वितरण और बिक्री नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए। नगर पंचायत सचिव रमन कुमार ने कहा कि बाजार में यदि कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, चाकू, झंडे, गिलास आदि का वितरण, भंडारण व बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसका चालान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को 19 प्रकार के प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाजार में आगामी समय में भी इसी प्रकार निरीक्षण किए जाएंगे। उन्होंने दुकानदारों से सामान पीली पट्टिका के अंदर रखने का अनुरोध किया है। 15 साल पहले गायब हो गई थी मूर्ति, अब अचानक मंदिर में हुई प्रकट। जी, आराध्य देवता आदि ब्रह्मा खोखन की 15 साल की पहले गुम हुई मूर्ति उनके देवालय खोखन में ही मिल गई है। वह मूर्ति को आदि ब्रह्मा के मंदिर में ही पाया गया। वह देवता आदि ब्रह्मा की यह मूर्ति अष्ट धातु की है। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले यह मूर्ति चोरी हुई थी। इसे देवता के कारकुन देवीय चमत्कार ही माना जा रहा है कि मूर्ति मंदिर में पाई गई है। वही बता दें कि अष्ट धातु की यह मूर्ति मंदिर में कैसे पहुंची, इसे कौन लेकर आया, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। वह मूर्ति यहाँ पर कैसे
से पहुंची। इसको लेकर देव समाज के लोगों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मूर्ति का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि अष्टधातु की इस मूर्ति को अब देवलुओं ने संभाल कर रख लिया है। वह देवता आदि ब्रह्मा के पुजारी हेमराज ने कहा कि 15 साल पहले गुम हुई देवता की अष्टधातु की मूर्ति अब मंदिर में मिली है। वह बीते रविवार को यह मूर्ति मंदिर में पाई गई। इसमें हरियाणा में खुशी है। तीर्थयात्रियों पर हमला करना कायरता, रियासी टेरर अटैक पर बोली कंगना रनौत। जब बीते रविवार शिवखोड़ी से श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 41 श्रद्धालु घायल हो गए। इस हमले की कंगना ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि मैं जम्मू कश्मीर के रियासी में तीर्थयात्रियों पर हुए कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती हूँ। शिमला शहर की इन 10 जगहों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन पर रोक आदेश जारी। जे हिमाचल प्रदेश में शिमला के जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने मंगलवार को शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठक और धरना प्रदर्शन करने पर पाबंदी लगाने के आदेश दिए। मैं अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत आदेश जारी किए हैं। मैं जिसके तहत छोटा शिमला से रिजवक कैनेडी हाउस तक, रेंडे जॉयस से रेस्टोरेंट से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर दूरी तक, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड, छोटा शिमला कुसुमपट्टी रोड, छोटा शिमला चौक से राजभवन से ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सिटी सीढ़ियां और पैदल रास्ता जो कुसुमपट्टी सड़क की ओर, कार्ट रोड से मछीटा हाउस लिंक रोड तक, एजी कार्यालय से कोट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक सभी स्थलों पर सार्वजनिक बैठक आयोजित करने, जुलूस व रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। कर्ज का रिकॉर्ड बनाएगी प्रदेश की सुक्कू सरकार, विकास कार्य ठप, कैसे पूरे होंगे चुनावी वादे। जिन नेता प्रतिपक्ष चिरम ठाकुर ने कहा कि चुनाव खत्म हो गए, आचार संहिता हट गई, लेकिन सरकार अभी तक खामोश है। वह बस अखबारों के माध्यम से सरकार के कर्ज पर कर्ज लेने का पता चलता है। मैं इस महीने फिर से सरकार ने 1200 करोड़ का कर्ज लिया है। मैं इसी वित्तीय वर्ष में सरकार 2900 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। मैं जबकि दिसंबर तक कर्ज की लिमिट 6200 करोड़ रुपये है। मैं लगता है कि सरकार कर्ज के मामले में एक नया रिकॉर्ड कर रह जाएगी। मैं कर्ज के सहारे चल रही सरकार अपने चुनावी वादे कैसे पूरा करेगी। मैं नेता प्रतिपक्ष चिरम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट द्वारा 3 करोड़ गरीबों को आवास देने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र को अक्षरशः लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो भी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी वह निर्धारित समय में पूरी होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गारंटी हर हाल में पूरी होने की गारंटी है। उद्योगों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक। जो हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्थापित बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों से 16.5% से अधिक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूलने पर रोक लगा दी है। वह कोर्ट ने कानून के प्रावधानों के विपरीत अधिक बिजली शुल्क वसूले जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। वे मैसर्च इंस्ट्रूमेंट ऑटो एंड पावर लिमिटेड बद्दी द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येंद्र वेद की खंडपीठ ने आदेश पारित किए हैं। 20,000 कला अध्यापक कर रहे नौकरी का इंतजार। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार कला अध्यापक संघ लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपनी मांगों को एक बार फिर से चुनावों के बाद उठाया है। मैं बेरोजगार कला अध्यापक ड्राइंग टीचर्स संघ के अध्यक्ष बलवंत सिंह ने कहा कि सरकार अपने किए हुए वादों पर ध्यान केंद्रित करे। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है तब से बेरोजगार कला अध्यापक संघ को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन 1.5 साल अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई है। मैं संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से और शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी मिडिल स्कूल में लगाई गई 100 बच्चों की कंडीशन को समाप्त करने पर विरोध किया गया था। इस पर मुख्यमंत्री ने खुद शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने को कहा था, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री की बात को शिक्षा विभाग के द्वारा नजरअंदाज करके रखा हुआ है। वह संघ के उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने कहा कि हाल ही में चुनावों के दौरान पूरे प्रदेश में जहां जहां भी कांग्रेस के नुमाइंदे गए हैं वहां पर हर जिले में बेरोजगार कला अध्यापक मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 20,000 के करीब बेरोजगार कला अध्यापक है जो सरकार के साथ एकजुट खड़े हैं। वह संघ के सचिव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग 1600 के करीब मिडिल हाई और सेकेंडरी स्कूलों में पद लंबे अरसे से खाली चल रही है। वह दूसरी ओर संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग से गर्मी में पड़ने वाली छुट्टियों को 15 जुलाई से करने को कहा है।
निजी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर घूम रहे थे पर्यटक, पुलिस ने किया 23,000 जुर्माना। जे पर्यटन नगरी मनाली में मंगलवार को पंजाब की निजी नंबर वाली एक इनोवा गाड़ी पर लगी नीली बत्ती को देखकर पुलिस ने इस गाड़ी को रोका। इसके बाद पुलिस ने इस गाड़ी की नीली बत्ती को जब्त कर लिया जिस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ था। मैं खुद को वी आई पी दिखाने के मकसद से पंजाब से आए पर्यटकों ने ऐसा किया था। मैं लोगों ने पुलिस को बताया कि यह गाड़ी मनाली में दौड़ रही है और इसमें सवार लोग खुद को वी आई पी दिखाकर धौंस जमा रहे हैं। मैं कई जगह जल्दी पास न मिलने पर लोगों को धमका भी रहे। मैं शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए इस गाड़ी को रोका और स्वयं DSP KD शर्मा ने कार्रवाई को लीड किया। 1.5 वर्ष के भीतर तैयार होगा कांगड़ा के लुधान में बनने वाला मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर। जे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने मंगलवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला कांगड़ा के लुधान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसरों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने 132 करोड़ रुपये से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई 2024 से पूर्व आरंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस परिसर को 1.5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सुंदर नगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। इन परिसरों में अनाथ बच्चों, विधवाओं, एकल नारियों एवं वृद्धजनों को सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने इन परिसरों को अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित करने के निर्देश दिए हैं। SMC चुनाव के बाद दो गुटों में हुई झड़प, 12 के खिलाफ मामला दर्ज। जिले के चुरा क्षेत्र के नेला स्कूल में SMC चुनाव में विवाद हो गया। यह विवाद कोई स्कूल के विकास के लिए नहीं बल्कि अध्यक्ष बनने के लिए हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि दो गुटों में मारपीट शुरू हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घुसे चले। यही नहीं, हंगामे के बाद एक गुट द्वारा एक व्यक्ति के घर पर जमकर पत्थर भी बरसाए गए। वह मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए। वह दोनों पक्षों की शिकायत के बाद पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किए गए। को चुरा क्षेत्र की राजकीय उच्च पाठशाला नेला में स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि SMC के गठन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान दो पक्षों ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की। मैं दो पक्ष होने के कारण दोनों के लिए वोटिंग करवाई गई। मैं वोटिंग में दोनों प्रत्याशियों को बराबर मत मिले, इस पर मामला गर्मा गया। वहीं एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। मैं मारपीट में घायल लोगों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल तीसा में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ क्रॉस मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। HPU ने साइंस कोर्सेज को छोड़कर अन्य सभी PG कोर्सेज की संशोधित डेटशीट की जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तरी, स्नातक, रेगुलर व रीअपियर परीक्षाओं की संशोधित डेटशीट जारी कर दी है। वही मंगलवार को साइंस कोर्सेज को छोड़कर अन्य सभी कोर्सेज की रेगुलर व रीअपियर परीक्षाओं का संशोधित डेटशीट जारी अधिसूचित किया गया है। वही इसके तहत परीक्षाएं 24 जून से शुरू होंगी और यह परीक्षाएं जुलाई के तीसरे सप्ताह तक चलेंगी। वही आगामी 25 से 27 जून तक CSIR नेट की परीक्षा होनी है और इसके दृष्टिगत विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल साइंस कोर्सेज की परीक्षाओं की संशोधित डेटशीट जारी नहीं की है। मैं स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं पहले 12 जून से शुरू होनी थी लेकिन UGC की नेट सहित अन्य परीक्षाओं के साथ इन परीक्षाओं की तिथि क्लेश होने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए पुरानी डेटशीट को विथड्रॉ करने के बाद अब संशोधित डेटशीट जारी की है। बारिश के लिए हो जाओ तैयार, हिमाचल में 17 से 10 तक देगी प्री मानसून। जी, हिमाचल में गर्मी फिर अपना असर दिखने के लिए तैयार है। मैं दरअसल हिमाचल में आज से अगले 48 घंटों के लिए हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा जल्दी ही प्रदेश में प्री मानसून की भी दस्तक होने वाली है। वह खबर है कि हिमाचल में 17 से 18 जून तक प्री मानसून के आने के आसार हैं। आम आदमी की जेब में डाका, ऊना में मनमाने दाम ले रहे स्टाम्प विक्रेता, अब रद्द होंगे लाइसेंस। जी हाँ, राजस्व और कानूनी कार्यों में इस्तेमाल होने वाले स्टाम्प पेपर्स लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। मैं हाल यह है कि ऊना में प्रशासन की नाक तले निर्धारित से ज़्यादा दाम वसूलने का काम किया जा रहा है। मैं अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान ही नहीं लिया है। मैं जिसके चलते जिलावासियों में प्रशासन के प्रति भी रोष है। मैं प्रशासन अब ऐसे स्टाम्प वेंडर के लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है। मैं उधर स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें न तो स्टेशनरी चार्ज दिए जा रहे हैं और न ही स्टाम्प के लिए किसी प्रकार का कोई कमीशन दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें ज्यादा दाम वसूलने किया जा रहा है। मैं इसी के चलते उन्हें अतिरिक्त दाम वसूलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मैं उधर प्रशासन का कहना है कि इस मामले को लेकर शिकायतें मिली है, इस पर जाँच करते हुए कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और यदि कोई स्टाम्प वेंडर ज्यादा दाम वसूल करता पाया गया उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।
चार मामलों में करोड़ों रुपये की ठगी। स्टॉक मार्केट में निवेश के दिए थे लुभावने ऑफर। जो स्टॉक मार्केट में निवेश कर अमीर बनने का सपना देखने वाले लोगों को साइबर ठग लगातार अपना निशाना बना रहे हैं। वे साथ ही अब लोगों से पैसे ऐंठने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। वे बीते माह की बात की जाए तो मध्य जॉन मंडी में साथियों ने विभिन्न सोशल मीडिया ऐप के जरिए करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया है। क्या कांगना धरातल पर उतार पाएंगी 1000 करोड़ रुपये वाला जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट? मंडी को क्वीन से पहाड़ जैसी उम्मीदें। जे काशी से पीएम नरेंद्र मोदी और छोटी काशी मंडी से सांसद कंगना रनौत, क्या बॉलीवुड क्वीन मंडी की जनता की उम्मीदें पूरी करेंगी? वह देश की सबसे चर्चित सीटों में से एक मंडी से चुनाव जीतने के बाद अब हिमाचल की जनता की नज़र क्वीन कंगना की संसदीय राजनीति की पारी पर टिकी गई। वह अब हिमाचल की सियासत में ये सवाल तैर रहा है कि कंगना मंडी में आकर अपने वोटर्स और जनता के बीच कितना समय बिता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में खिचड़ी की जगह ड्राई फ्रूट देने पर भी विचार। विभाग की बैठक में सीएम सुक्कू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल में जिला कांगड़ा के लुथान एवं जिला मंडी के सुंदरनगर में बनाए जा रहे मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसरों का कार्य 1.5 साल में पूरा होगा। मैं सीएम सुक्कू ने 132 करोड़ की लागत से 400 आश्रितों के लिए बनाए जा रहे परिसर के कार्य को 20 जुलाई से पहले शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। वह मुख्यमंत्री सुक्कू ने शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आदेश जारी किए। उन्होंने इस परिसर को 1.5 वर्ष के भीतर तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। सुंदरनगर में बनने वाले परिसर का नक्शा व निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। हिमाचल में ट्रैफिक का महाजाम, 5 मिनट के सफर को लग रहे घंटों। जी हाँ, प्रदेश में ट्रैफिक का महाजाम लोगों के लिए सिर दर्द बन चुका है। मैं आए दिन लोगों को चंद मिनटों के सफर के लिए घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। मैं शहरों में गाड़ियों के लिए पार्किंग न होने से भी सड़कों पर जाम का कारण बन चुका है। वहीं मैदानों में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने के लिए बाहर राज्यों के सैलानियों ने भी पहाड़ों का रुख किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसा हिमाचल में गाड़ियों की बाढ़ आ गई है। मैं हर रोज जाम में फंस रहे लोग पुलिस की ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं सड़कों के किनारे खड़ी बेतरतीब गाड़ियों ने भी वाहनों की रफ्तार धीमी कर दी है। मेरी राजधानी शिमला में पिछले करीब 3 महीनों से यहां का जाम ज्यों का त्यों बना हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक जाम से शहर को मुक्त करने का कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है। मैं इसके अलावा सिरमौर जिला के मुख्यालय नाहन में दिन प्रतिदिन वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण सड़कों व गाड़ियों में वाहनों की मकड़ जाल में उलझता जा रहा है। उपचुनाव में चुने गए 6 विधायक बुधवार को लेंगे शपथ। जी, विधानसभा उपचुनाव में चुने गए 6 विधायकों को बुधवार को प्रदेश विधानसभा परिसर में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया शपथ दिलाएंगे। मैं इनमें कांग्रेस के 4 यानी गगरेट से राकेश कालिया, कुटलेहर से विवेक शर्मा, लाहौल स्पीति से अनुराग राणा और सुजानपुर से कैप्टन रंजीत राणा शपथ लेने जा रहे हैं। मैं भाजपा के 2 विधायक धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल भी शपथ लेंगे। मैं इनमें विवेक शर्मा, अनुराधा राणा और कैप्टन रंजीत राणा को पहले बार प्रदेश विधानसभा के लिए चुना गया है। नालागढ़ में फिर पुराने प्रतिद्वंदियों में टक्कर होने के आसार। जे नालागढ़ बीस क्षेत्र 13 साल बाद फिर से एक बार उपचुनाव की परीक्षा से गुजरेगा। यहां पर 2 पुराने प्रत्याशी के एल ठाकुर और बाबा हरदीप सिंह के बीच चुनावी जंग के आसार दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। वह चुनाव आयोग ने यहां पर निर्दलीय विधायक के एल ठाकुर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव की घोषणा की है। मैं के एल ठाकुर ने अपना 2022 का विश्व चुनाव निर्दलीय लड़ा था और 33,427 मत लेकर कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बाबा 20,163 को 13,264 मतों से हराया था। वे भाजपा प्रत्याशी लखविंद्र राणा उस चुनाव में 17,273 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। होटल बुकिंग में अतिरिक्त वसूली पर 15,000 जुर्माना। जे उपभोक्ता फोरम मंडी के सुंदरनगर कैंप ने booking.com और कोलकाता के होटल फैंटेसी स्टे को उपभोक्ता से मनमानी वसूली के आरोप सही पाए जाने पर जुर्माना किया है। बता दें कि उपभोक्ता न्यायालय मंडी के सुंदरनगर कैंप के अध्यक्ष पुरेंद्र वैद्य, सदस्य मांचली और यशवंत सिंह ने शिकायत को सही ठहराते हुए होटल मालिक को अतिरिक्त वसूले गए 1,120 रुपये 6% वार्षिक ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को वापस करने के आदेश दिए। वहीं पर वेबसाइट booking.com और होटल को 10,000 रुपये जुर्माना और 5,000 रुपये शिकायत व्यय भी उपभोक्ता को देने के आदेश हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से या चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिला पंचायत से देख रहे हैं। कि ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।